हेलो फ्रेंड्स, बच्चों आज हम बात करेंगे आपके एचपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है, यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन धर्मशाला, उसके द्वारा जो आपका 2021 एग्ज़ाम यानी कि 2021 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, 9th to 12th क्लास के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, यानी कि कम किया गया है, डिलीट किया गया है, ठीक है, ये सिर्फ 2021 के लिए डिलीट हुआ है। मीन्स क्योंकि इस साल कोरोना पैंडेमिक की वजह से क्लासेस नहीं हुई, रेगुलर सिलेबस रिड्यूस किया, ठीक है, सीबीएसई ने पहले ही कर चुका था। अब एचपी बोर्ड ने भी अपनी एक लिस्ट जो है पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट में ये आउट कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, 9th क्लास है कंप्लीट, मैं आपको डिस्कशन बता रही हूँ आज यहाँ पे 9th और 10th क्लास का, ठीक है, 9th 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपके, ठीक है बच्चों, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एचपी बोर्ड अपीयर कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको बताएं कि ये टॉपिक्स जो हैं आप डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 9th क्लास से हमारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश, ठीक है। पहला सब्जेक्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो इंग्लिश में आपका बिहाइव जो बुक है, ठीक है, यहाँ बुक के नेम दे रखे हैं, यहाँ चैप्टर या टॉपिक या चैप्टर जो डिलीट हुआ है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले बिहाइव बुक में से पार्ट ए में आपका क्या क्या डिलीट हुआ है, विद पेज नंबर एवरीथिंग गिवन है, पेज नंबर के साथ सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये सिर्फ एग्जाम तक के लिए है, नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए वही रेगुलर रहेगा पैटर्न, ठीक है। तो ये जो 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये चेंज किया है। तो देखो द लेक इज एल ऑफ इनिस फ्री पोएम, ठीक है, ये पेज नंबर 54 पेज 56 पे है, पैकिंग लेसन 17, ठीक है, 82 पेज नंबर, विद पेज नंबर आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मोमेंट बुक है उसमें से आपके कौन कौन से लेसन 4 लेसन 9 लेसन 6, ठीक है, ये हट गए हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर टू एडिटर लिखने को आता था ना, अब वो नहीं आएगा, मतलब उसके अलावा कुछ आपको और जो था राइटिंग सेक्शन में वो सब हो सकते हैं, लेकिन लेटर टू एडिटर नहीं होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक। आगे देखो अब, ठीक है, अब सेम इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश का पहले 9th और 10th के लिए दिया है, फिर मैथ्स का 9th और 10th के लिए दिया। तो देखो 10th क्लास से जो इंग्लिश के टॉपिक डिलीट हुए हैं, आपकी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, एचबीएससी की बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें से आपका देखो कौन कौन सी पोएम और लेसन हटे हैं, मतलब डिलीट हो गए हैं सिलेबस से। तो देखिए द बॉल पोएम पेज नंबर 56 पेज 63 यानी कि लेसन 5, ठीक है बच्चों, लेसन 5 लेसन 6 पेज नंबर 99 में ट्रीज पोएम, ठीक है, मिसविल द ऑटर लेसन 8 पेज नंबर 102 फॉर एन ग्रेगरी पोएम 140 पेज पे, ये सब आपका जो है ये डिलीट हुआ है फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ओके। अब देखो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बुक नंबर 2 जो आपकी लगती है ना इंग्लिश में, उसमें से क्या क्या टॉपिक हटे हैं, क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट यानी कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर हट गए, द हैक ड्राइवर द बुक दैट सेव द अर्थ लेसन 10 हट गया है, लेसन 8 और लेसन 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हिंदी फॉर 9th एंड 10th, ठीक है बच्चों, हिंदी फॉर 9th एंड 10th। तो 9th क्लास से हिंदी के देखो क्या क्या चैप्टर या क्या टॉपिक्स हटे हैं, तो खंड ख, जहाँ रचना वाला जो सेक्शन आता है ना पेपर में, खंड होते हैं, तो खंड ख में से देखो आपको क्या घटा है, खंड तथा पुस्तक का नाम, वो हटाए गए अध्याय व लेखक के नाम, देखो संवाद लेखन संदेश लेखन प्रतिवेदन या सूचना लेखन, ठीक है, पृष्ठ संख्या दे रखी है, ये हट गया। खंड ग व्यवहारिक व्याकरण से क्या हटा बच्चों, समास हटा दिए गए हैं, ठीक है, और व्यवहारिक व्याकरण में पाठों के प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर और समास ये हट गया। खंड घ में देखो ये 9th क्लास के लिए है, ठीक है, खंड घ पाठ्य पुस्तकें क्षितिज बुक जो है क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में देखो उपभोक्ता संवाद की संस्कृति सामले सपनों की याद एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई ये कविता आपके हट गए हैं, ठीक है, गद्य खंड में। काव्य खंड देखो ये जो स्टोरी रहेंगी या चैप्टर रहेंगे वो हट गए। अब यहाँ देखो काव्य खंड में किस बुक से, क्षितिज बुक से आपका हटा है वाक चंद्र गहना से लौटती बेर यमराज की दिशा, ठीक है। आगे देखिए कृतिका भाग 1 पूरक पुस्तक, तो पूरक पुस्तक में देखो आपके क्या टॉपिक हटे हैं, माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई, ठीक है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो ये दो पाठ यहाँ से हटे हैं। अब देखिए बच्चों क्लास 10th, तो क्लास 10th के लिए बहुत जरूरी है,
इस बार बोर्ड क्लास है उनकी, ठीक है। तो HBSE बोर्ड के बच्चे क्लास 10 से हिंदी का देख लो बच्चों, आपके ये जो पार्ट हैं, ठीक है, अपठित गद्यांश खंड क में वर्णात्मक गद्यांश हट गया है, ठीक है। पद व्यवस्था पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर, पद व्यवस्था क्या है देखो, खंड ग व्याकरण में से आपके क्या क्या हट गए, पद व्यवस्था और अनेकार्थी शब्द, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, तो खंड ग में देखो बच्चों, ग हो गए यहाँ पर, ठीक है, खंड ग व्याकरण से बता दिया। अब देखो खंड घ पाठ्य पुस्तकों में आपका क्या टॉपिक हटा दिए गए, जो आपका 30% हटा है सिलेबस, क्षितिज भाग दो गद्य खंड में, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, और संस्कृति, ये हटा दिए। काव्य खंड में देखो सवैया, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही है, छाया मत छूना, तो ये जो है ये काव्यखंड से हटा दिया गया। कृतिका भाग दो पूरक पुस्तक में देखो, एही ठया झुलनी हैरानी हो रामा, ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की, और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय द्वारा लिखी गई, ठीक है, ये आपका यहाँ से हटाया है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश का। अब बात करेंगे मैथ सेक्शन की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे मैथ और साइंस में काफ़ी डरते भी हैं। बच्चों ध्यान से देखना, नाइन्थ क्लास मैथ से जो सिलेबस हटा है, तो ये चैप्टर के नाम आपके लिख रखे हैं यहाँ पर, ये यूनिट लिख रखी है, ठीक है, यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, तो आपकी जो बुक होगी ना, बुक में यूनिट नहीं लिखी होती है, ठीक है, बच्चों को यूनिट नहीं पता होती, उनको चैप्टर पता रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका चैप्टर वन नंबर सिस्टम देखो, लेसन वन एलजेब्रा में लेसन टू फोर दोनों आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो आप आइडेंटिटीज फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, वो दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, वो एलजेब्रा यूनिट में आते हैं। तो देखो चैप्टर वन टू थ्री फोर जो भी आपके पास सामने हैं, वन में देखो क्या हटा है, एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 ये हटा दी है। बच्चों अगर ध्यान दो तो CBSE से ना, CBSE से थोड़ा अलग है, ठीक है, CBSE में टॉपिक्स अलग हटाए गए हैं और HBSE में अलग हटाए गए हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। लेसन टू देखो पॉलिनोमियल्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 11-16 ऑफ एक्सरसाइज 2.5, सब कुछ एक एक पॉइंट आपको क्लियर बता रखा है कि कहाँ कौन से क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। तो ना तो आपने ज़्यादा फालतू पढ़ना है और ना ही आपने कम पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं बच्चों। लेसन फोर में देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल 4.4 ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 हट गई है सिलेबस से आपके। लेसन थ्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नील, कुछ भी नहीं हटा है। लेसन फाइव यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, उसमें से आपका 5.1 और 5.2 डिलीट कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। एक और बात बच्चों, टेंथ के लिए स्पेशली बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं ना बच्चों के, होंगे 21 में, उसके लिए चैनल पर मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगी, जिसमें आपके MCQ एक्सरसाइज और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप वो सीरीज जरूर ज्वाइन करना। अब देखो लेसन 6, 7, 8 से, तो यहाँ से आप रीड कर लेना बच्चों, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। अगर आप चाहें कि भाई मैथ्स का डिटेल में बता दो सिलेबस क्या क्या हटा है क्या नहीं, तो आप कमेंट में लिखना, फिर उस हिसाब से एक वीडियो सेपरेट बना देंगे 9th और 10th मैथ्स के लिए, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला में देखो यहाँ पे 12.3 एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फॉर्मूला, तो काफ़ी क्लियर बना रखा है हिमाचल बोर्ड ने, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह सब लिख रखी है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं क्या हटे हैं, तो बच्चों इतने कन्फ्यूजन आपको नहीं होने चाहिए। 10th क्लास मैथ्स में देखिए इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स में, लेसन वन से 1.4 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.3 हटी है, जबकि अगर यहीं पे CBSE की बात करें तो वहाँ पे यूक्लिड लेमा हटाया गया है, ठीक है, तो देखो दोनों में सिलेबस डिफरेंट है। लेसन टू में देखो बच्चों पॉलिनोमियल 2.4 डिविजनल एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 हटा दी है, ठीक है। लेसन थ्री में देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3.4.3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड हट गया है, रिड्यूजल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी हटा दी है। लेसन फोर में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.4 सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक्सरसाइज क्वेश्चन वन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 देखो कितना क्लियर बच्चों बना रखा है आपके लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, साफ लिखा है, जो क्वेश्चन भी हटा है उसको भी मैंशन कर रखा है ना, कि क्वेश्चन वन जो है 4.3 का वो आपको पेपर में नहीं मिलेगा देखने को। लेसन फाइव AP से 5.4 सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP एक्सरसाइज 5.3 ये हटा दी है। लेसन एट में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 8.3 तो देखो जो थोड़ी टफ एक्सरसाइज थी वो उन्होंने पूरी हटा दी, ठीक है। 8.4 टॉपिक
और एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पे रिमूव है बच्चों। नेक्स्ट देखो लेसन 9 में से क्या हटा है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नो डिलीशन, कोई भी डिलीशन इसमें नहीं हुई है लेसन 9 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो 7.4 टॉपिक, उसके अंदर जो एक्सरसाइज आती है कौन सी, 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हटा दी। ज्योमेट्री देखो लेसन 6 ट्राइंगल्स 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.4 थियोरम 6.6 रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों टॉपिक हटे हैं। ठीक है, सर्कल पे कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, तो सीबीएसई में भी सर्कल चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, पूरा चैप्टर उसमें भी इंक्लूड है। लेसन 11 देखो कंस्ट्रक्शन, 11.2 टॉपिक के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, तो ये सीबीएसई जैसा हटाया है सेम यहाँ पर। क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 7 तक 11.1 का आपको नहीं आएगा, 11 जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर ना उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हटा दी है। ठीक है, लेसन 12 देखो बच्चों मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 12.4 एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हट गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 रिमूव हो गई। लेसन 13 सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम्स फ्रस्टम ऑफ कोन एक्सरसाइज 13.4 तो ये भी सीबीएसई की तरह ही हटा है, यहाँ पे आपको जो है फ्रस्टम वाला टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, लेसन 14 में देखो बच्चों स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, और यानी कि 14.5 टॉपिक है ये टॉपिक है यहाँ पे, जो आपकी बुक में 14.5 हेडिंग होगी ना उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्सरसाइज 14.5 आपके सिलेबस से रिमूव की है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं है, वो छोटा सा चैप्टर है पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी काफ़ी रखता है, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करता है। अब देखिए साइंस, ठीक है, क्लास 9th से साइंस देन क्लास 10th से साइंस, दोनों साइंस का दे रखा है 9th और 10th का कंबाइन। तो देखिए 9th में यूनिट या टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, और जो चैप्टर या चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना विद पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किया है टॉपिक सब टॉपिक, तो आप प्लीज़ ये अपनी बुक्स में मार्क कर लें और उसी हिसाब से अपनी बुक जो हैं जो आपकी HBSC की बुक्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम CBSE जैसी होती हैं, वो वहाँ पे आप मार्क कर लें कि ये वाला टॉपिक हमारा हट गया है ना, उनको कट कर लें और जो रिमेनिंग है उनको आप अच्छे से स्टडी करें। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप ये देख लें यहाँ से। ठीक है, यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कौन सा आता है इसमें, टिश्यू प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो ये सारे 6.2 हेडिंग हट गई है, पेज नंबर 69-73 से आपका देखो यहाँ पे रिमूव किया है ना। बात करते हैं 10th क्लास की, तो देखो 10th क्लास में भी अगर चैप्टर ये हमारे सामने यहाँ चैप्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ हैं यूनिट्स, ठीक है, या डिलीटेड टॉपिक्स, यूनिट और टॉपिक और यहाँ डिलीटेड टॉपिक। तो देखो बच्चों मैं एक आपको पढ़ के बता रही हूँ, यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें से देखो चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज 3.1 पेज नंबर के साथ लिख रखा है। बच्चों एक काम करेंगे, इसके लिए चाहे तो मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है, साइंस का, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए कि कौन सा पेज कहाँ पे क्या हटा है क्या नहीं हटा है। ठीक है, तो आप क्लियर अपनी बुक पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठना ताकि जो टॉपिक डिलीटेड हैं आप उनको वहीं मार्क कर लो और उनको आपने फिर फाइनल एग्जाम के पर्पज़ से नहीं पढ़ना है। अभी आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो आपके फाइनल एग्जाम में आपका पार्ट नहीं होंगे, तो आपको बेनिफिट है, मतलब आपका सिलेबस कम हो गया है थोड़ा, आपको बर्डन कम कर दिया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू बी डिलीटेड इन साइंस 10th क्लास। अब देखो क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे क्लासेस में, तो उनकी भी लिस्ट निकाली गई है कि कौन से जो है एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करते थे अब वो डिलीट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा ना उसमें भी आपको रिलैक्सेशन अब है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सोशल साइंस का दे रखा है सिलेबस। ठीक है, यहाँ सोशल साइंस का हमारे सामने यूनिट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये काफ़ी क्लियर है बच्चों, 9th से है ये, 9th का सिलेबस है, यहाँ लेसन के नाम हैं, यहाँ टॉपिक्स हैं और यहाँ विद कंप्लीट लेसन पेज नंबर के साथ दे रखा है। देखो कोई कंप्लीट लेसन भी रिमूव हुए हैं आपके SST में। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री में क्या आता है, ज्योग्राफी, सब चीज़ में, ऐसे ही क्या कंप्यूटर साइंस फॉर 9th एंड 10th क्लास। तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने IT या कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है 9th-10th में, उनके देखो क्या क्या हटा है। CS 101 क्लास 9th से है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसमें साफ टॉपिक्स हैं बच्चों, जो आपकी बुक है आप उसमें मार्क कर लें, 3.9
लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, डिजिटल प्रेजेंटेशन। टेंथ क्लास में देखो, टेंथ क्लास में टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं वो हैं यूनिट 1 CS, पेपर कोड है आपका 201, ठीक है, ये टॉप यूनिट दी हुई है यहाँ पर, और इस तरफ हमारे पास ये यहाँ पर ये टॉपिक्स और चैप्टर्स। तो देखो 1.3, यूनिट 1 से 1.3 डिजिटल ग्राफिक प्लॉटर पेज नंबर 78 हट गया है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर हटा दिए, ठीक है बच्चों, और क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हटा दिए, फिर टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर ये हट गया, डिजिटल कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग सब दे रखा है, ठीक है, पेज नंबर के साथ। तो ये आपका जो है सिलेबस वो है जो रिमूव हुआ है। अब है यहाँ पे यही इसी फाइल में देखो 10+1 और 10+2 का सिलेबस भी गिवन है, बट आज हम बात करें सिर्फ 9th और 10th की। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी कि किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे सिलेबस डिलीट हुआ है, और डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि बताया जाए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या हटा है, तो बच्चों मैं सेपरेट वीडियोज़ पर बना दूंगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। प्लस वन मोर थिंग, जो फ्रेंड्स दूसरे एग्ज़ाम से वाले हैं, जैसे जो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके लिंक में कोई बच्चा है उसको उसके साथ ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।